चलिए ठीक है। द फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपका यूनिट नंबर कौन सा? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 परिधि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं कल हिमांशु को लेके आऊंगा क्लास में, और मैं लक्ष्य को भी मौका दूंगा, अगमपित को भी मौका दूंगा। मैं ऐसा टीचर हूं जो आपको वीकनेस वाले बच्चों को बोलूंगा कि भाई बता क्या गलती हुई, और जिसने पास किया उसको भी पता होगा तूने क्या सही किया। क्योंकि तो सही भी जानना है और गलत भी जानना है। कभी कभी जरूरी होता है, गलत जानना बहुत जरूरी होता है कि वो गलती वापस ना हो, और सही जानना तो जरूरी होता ही है। तो सही भी जानेंगे और कल दोनों सीख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारूच है, ठीक है। अगमप्रीत भी है, अगमप्रीत को तो हम आज भी पूछ सकते हैं। अगमप्रीत, दो चीज फटाफट 10 सेकंड में बोल कि ऐसा क्या करता था तू, तेरे को मार्क्स अच्छे आ जाते लॉ में भी, बता। सच बोल देना, सर को बुरा लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी थी। पढ़ाई बहुत एंड में जाकर की, लाइक जब जून स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मैंने स्टार्ट करी पढ़ाई। तो बहुत सारी चीजें लाइक स्किप करनी पड़ी थी, इसलिए ना वो जो लॉ के कुछ चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट के जो आखिरी के चैप्टर थे ना, वो और मेरा सोगा ना मेजर पोर्शन उसका मिस हो गया था, इसलिए मेरे को लॉ में प्रॉब्लम आई। बाकी सब में 60+ आ गए। मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अगरबीत से जेन ऑन मैसेज में ही फ्लंग, बट आई डोंट नो व्हाट ही हैज लेफ्ट और ही हैज नॉट लेफ्ट। बट एक चीज सीखने मिली खाली इसकी बात से, इतनी कि एक तो ऑनेस्टी जरूरी है जब आप फेल हो जाओ, कि आप क्यों फेल हुए जाना जरूरी। नंबर दो, मैंने आपको फर्स्ट डे को बोला था कि कुछ छोड़ना नहीं है, एक ही नियम है, और रिविजन के ऊपर फोकस पूरा रखना है। दैट्स द ओनली थिंग। ही इज अ गाय हु इज अ जेन्युइन गाय इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, सुपर टैलेंटेड गाय, बट अगेन टैलेंट को हार्डवर्क से मर्ज करना पड़ता है। एंड मोमेंट यू डू दिस टू, ही कैन बी अ नेक्स्ट रैंकर ऑफ योर क्लास इफ ही डज दैट हार्डवर्क लाइक हिमांशु। हिमांशु का एडवांटेज क्या है, आपको याद होगा कोई बच्चा बैठा है, मैंने एग्जाम के दिन को देवयानी 3 लेक्चर्स लिए, एग्जाम के अकाउंट्स के दिन को लेक्चर लिए 4, मैंने नेक्स्ट डे लेक्चर लिए हैं, और मैंने एग्जाम के दिन को सुबह लेक्चर लिए हैं। अब मुझे याद है, आई होप तुमको याद होगा लक्ष्य, राइट? और मैंने एक भी लेक्चर को शायद हिमांशु ने मिस नहीं किया। मुझे, मैं ये नहीं कह रहा इसलिए हिमांशु को मार्क्स आए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, टैलेंट अलग चीज होती है, लेकिन आप क्या सीख सकते हो? हार्डवर्क तो अपने हाथ में है या नहीं, टैलेंट तो भगवान ने दिया है भाई, हम क्या करें, भगवान ने दिया, सबको अलग अलग दिया, वो भगवान नेचुरल है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, विश्वास। लेकिन हमारे हाथ में है कि हर बच्चे के हाथ में उसकी हार्डवर्क, तो बच्चे में एडवांटेज क्या है जो हम सब सीख सकते हैं, मैं खुद सीख सकता हूँ, कि अगर टीचर लेक्चर ले रहा है एग्जाम के दिन को भी, तो मैं वो भी लेक्चर बैठूंगा। रात को 12 बजे लेक्चर लिया हमने, नकुल 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे लेक्चर लिया हम लोगों ने। वी हैव डन अवर, वी हैव डन ऑल पेपर्स टिल डेट, हमने सब पेपर, लास्ट 6 पेपर्स दे, यानी लास्ट 6 मॉक पेपर्स, लास्ट 6 एग्जाम पेपर्स, लास्ट 6 RTP भी किए थे, अलॉन्ग विथ जो आपको मैंने PDF दिया था वो। फिर भी गेम इजी नहीं होता, राइट? इतना करने के बाद भी गेम एग्जाम के दिन वो बाउंसर आएगा ना, तो हमें कंट्रोल रखना पड़ता है, प्रिपरेशन का कंट्रोल, रिविजन का कंट्रोल, पढ़ने का कंट्रोल, एंड देन यू सक्सीड। ICAR ने एक चीज बोल दी है इस बार कि अभी से CA फाउंडेशन टफ होगा और फाइनल इजी होगा। पहले माउंटेन चढ़ना पड़ता था, अब माउंटेन उतरना पड़ेगा, यानी सबसे पहले माउंटेन पे चढ़ना है और फिर इंटर CA उतरना है, फिर फाइनल उतरना है। तो पहले हम नीचे से ऊपर जाते थे, अब ऊपर से नीचे, तो पहले तो ऊपर चढ़ना है ना बेटा। तो जैसे ICAR ने रिजल्ट दिया है ना, CA फाइनल 25% और CA फाउंडेशन 15% या 14%, वो दिखाता है कि वो चाहता है कि जो अंदर आ जाए वो बाहर ना जाए, और जो अंदर ना आ पाए तो पहले से ही अंदर ना आ पाए, जिससे किसी का करियर बिगड़े नहीं। या तो मतलब देर विल बी अ टाइम रोहित कि जो CA फाउंडेशन से पास होगा वो CA बनेगा, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू।
एक ये दिन आएगा आगे। और अभी तक क्या दिन था परिधि, कि सीए फौज से पास हो गया है, सीए इंटर पास हो गया है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सीए फाइनल पास नहीं हो पाया। ये दिन नहीं आएगा, मतलब यू विल नॉट प्ले विथ करियर्स ऑफ स्टूडेंट्स। यू क्लियर 12th स्टैंडर्ड के बाद एक साल में सीए करो, फाउंडेशन पास होता है अच्छे से, आप आगे बढ़ जाओ, सीए बन जाओगे। आपसे सीए फाउंडेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप 20 साल के ही हो, आप कुछ और कर लो, आपका करियर बिगड़ेगा। ये मैसेज जाना चाहिए इंस्टीट्यूट से बच्चों के मन में कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। हेलो, शादी के बाद टूटने से अच्छा है एंगेजमेंट टूट जाए, बराबर। एंगेजमेंट टूटना अच्छा कि शादी टूटना अच्छा है? एंगेजमेंट टूटना अच्छा, तो टूटना कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा एंगेजमेंट टूटना, बराबर। आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स स्टार्ट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू रेफर टू इज डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिग्निफाई करना, 1% टू अनदर। डू यू अग्री? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज इंटेंशंस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर, दैट एक्ट इज कॉल्ड प्रपोजल। डू यू अग्री? बराबर। अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं यहां से आगे जा रहा हूं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा हम हमारी पेस को अलग लेवल पे लेके जाएंगे कुछ ही समय में। नहीं यार, मेरा ऑफर एक्सेप्टेंस कहाँ गया? क्या वो दिख रहा है सर? अब ये पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है एवरीवन, ये वाला, और मैंने ये भी पढ़ा दिया है एवरीवन, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने केस स्टडी लिया यहाँ पे, देवयानी, केस का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी। क्या नाम है? हार्वी वर्सेस फेसी, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी में एक छोटा सा घर है, घर को यहाँ पे उसका नाम था बम्पर हॉल पेन, वो घर का नाम क्या था? बम्पर हॉल पेन। अब ये घर को देखो मन में आपके, और केस को सिर्फ सुनो, हार्वी वर्सेस फेसी। तो क्या हुआ था इस केस में, हम सुनते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ये कैप्शन जा नहीं रहा है भाई, अब सुनो। हार्वी ने फेसी को कहा, क्या आप मुझे आपका बम्पर हॉल पेन यानी वो घर बेचोगे? क्वेश्चन मार्क। नंबर दो, उसका दाम क्या है? मतलब दो क्वेश्चन पूछे, पहला दूसरा जो भी हो। अब इसका टेलीग्राम भेज दिया हार्वी ने फेसी को। अब मान लीजिए गौतम रजानी ने रोहित को कहा कि क्या तू मुझे तेरा घर बेचेगा, प्रश्न एक। नंबर दो, तेरे घर का भाव क्या है प्लीज बताइएगा, प्रश्न नंबर दो। और कुरियर कर दिया रोहित के घर पे। रोहित ने पढ़ा, गौतम का खत आया है, पढ़ा। रोहित ने लिखा, मेरे घर का भाव 25 करोड़ है, फुल स्टॉप। बात को ध्यान से पढ़िएगा, रोहित ने रिप्लाई किया है, मेरे घर का भाव 25 करोड़ है, लेकिन रोहित ने ये नहीं कहा कि मुझे घर बेचना है या नहीं। गौतम रिप्लाई करता है, मैं अग्री करता हूं तेरा घर खरीदने के लिए 25 करोड़ देकर, आई अग्री। रोहित को रिप्लाई नहीं करता, रोहित को रिप्लाई नहीं करता, गौतम कहता है कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तू मुझे घर बेच नहीं तो मैं तुझे कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। रोहित कहता है किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, किस बात का ऑफर,
किस बात का एक्सेप्टेंस, ये मैटर जाता है कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। हेलो, जब तब कोर्ट ऑफ लॉ में समरी कंक्लूजन आता है कि भैया इस केस में जो गौतम ने प्रश्न पूछे थे उसका जवाब जब रोहित देता है तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बताता है। क्या बताता है? अमियर स्टेटमेंट, अमियर स्टेटमेंट बट नॉट विलिंगनेस, अमियर स्टेटमेंट बट नॉट एसेंट। हेलो, तो जब आप कोई चीज का और प्रपोजल के डेफिनेशन को ब्रेकअप करके देखो, प्रपोजल तो वो था जहां पे आप किसी को अपनी इच्छा बताते हो और उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हो और वो इंसान उसे एक्सेप्ट करे, तब एक्सेप्टेंस बन जाता है। सिर्फ आप सर उसका आपकी रिप्लाई, आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है, बाकी सबको आ रही है, तो बेटा ध्यान दो वापस, मैं रुकता हूं आपके लिए। चलो प्लीज चेक करो बेटा एक और बार। तो भाई कल उठ के विश्वास के हाथ में वॉच हो, मैं पूछूं विश्वास कितने की वॉच है? सर 25 पेटी की है। क्या बात है, मैं खरीदा। सर आपकी अरे आवाज नहीं आ रही है। कौन है ये हीरोइन, कौन है? नंदिनी आप हो बेटा? नहीं हो तो हीरोइन कौन है? साहिबा कुरैशी, इज यू द वन हु इज नॉट गेटिंग द वॉइस बेटा? नहीं अरे सर नहीं आ रही है। लेकिन कौन है भाई, कौन हो आप बेटा? ये कोई और पूछो ना उसको, कौन है? हाँ क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता ना बेटा। एक बार ऑडियो ऑन करके देख लो प्लीज, या फिर माइक वॉल्यूम बढ़ा के देख लो, और क्या बोलूँ, या फिर रीज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं भूल गया यार क्या बोल रहा था मैं, तुम लोगों ने मुझे केस लॉ बुला दिया। क्या बोल रहा था मैं, सर वॉच का बोल रहे थे आप, किसका क्या वॉच का। बोझ? वॉच, हाँ वॉच। अब तरुण जिसको भी मैंने विश्वास हो गया था, अब तरुण कहे कि भाई सर मुझे बेचनी ही नहीं है आपको, तो सिर्फ स्टेटमेंट से बातें करना, प्रपोजल नहीं। गौतम को लड़की बहुत पसंद थी, लोग गौतम को बहुत पसंद थी वो लड़की, नाम था पूजा, लेकिन बेचारा डर रहा था कि अगर प्रपोज कर दो और मार दे तो किसी के सामने इज्जत जाएगी, उसको इज्जत बहुत पसंद है उसकी। भाई बोला सर मार नहीं खा सकता किसी के हाथ का। गौतम ने कहा सर एक ट्रिक दो ना मेरे को, ओके मैं मार ना खाऊं और प्रपोज कर लूं। तो मैंने बोला गौतम ऐसा बोल कि मुझे फ्यूचर में शादी करनी है तो तेरे जैसी लड़की से करनी है, तू बहुत अच्छी है, तू वैसी ही है जैसी मुझे इच्छा है शादी करने की, तू वैसी ही हवुआ वैसी ही है, मतलब सब कुछ कह दिया बट तू है वो नहीं कहा, तेरे जैसी चाहिए, तेरे वैसी चाहिए, पर तेरे जैसी होनी चाहिए। लड़की ने बोला थैंक यू वेरी मच, तू भी वही है जो मुझे चाहिए, तेरे जैसा ही मुझे चाहिए। तो भाई थोड़ा सेफ हो गया कि अभी मार तो नहीं खा सकता, अब प्रपोज कर सकता हूँ। लेकिन वो कह नहीं, मैं आप मतलब आप समझे, अगर गौतम ने जो कहा, गौतम मार नहीं खा सकता, आप लड़कियां जो यहाँ पे है, अगर आपको कोई लड़का ऐसा बोलेगा तो आप उसको प्रपोजल नहीं बोलोगे, आप क्या कहोगे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मेरे को, लेकिन प्रॉपर प्रपोजल तो कब माना जाएगा, जब उसने अपनी इच्छा बताई, आपकी इच्छा जानने की कोशिश की। डू यू अग्री? हेलो, तब तक आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? भाई तब रिस्क बढ़ जाता है गौतम, तब मार खा सकता है तू, तब तक तू मार खाए, नो गारंटी तू मार, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, मियर स्टेटमेंट।
मतलब तेरा नाम लिया क्या? मैं सिर्फ बोलो तेरे जैसी चाहिए, तेरे जैसी चाहिए, तू जैसा बोला क्या मैं, तो तू कैसे मार सकती है मेरे को? चल नो प्रपोजल नो कॉन्ट्रैक्ट, समझा क्या? ठीक है चलिए, तो एक केस स्टडी सीखा आपने हार्वी वर्सेस फेसी का, एग्जाम में आया था 4 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए। अब मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है, आप चुपचाप पढ़िए। देख भाई पूरा कंटेंट को ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ये पार्ट, ये पूरा केस स्टडी, सारी स्टोरी के लिए समझना, खाली उसके रेलेवेंस में ना बेटा ये ऑब्जर्वेशन जो है ना ये पढ़ लेना, ठीक है? आपका समय शुरू होता है अब, मत करना वीडियो बंद मत करना। सर जूम कर दीजिए। इफ आई जूम इट तो आपको दिखेगा नहीं पूरा कंटेंट, आप जूम खुद कर पाओगे, आप लैपटॉप पे हो तो कंट्रोल प्लस करके कर पाओगे, और आप मोबाइल पे हो तो इजीली कर पाओगे, कंट्रोल प्लस साथ में दबाओगे तो हो जाएगा जूम, जितना जूम करना है आपको। अरे आई होप ये आपको पढ़ने में सब पढ़ने में क्लियरली समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेरी? रोहित शर्मा को कोई क्वेरी है? सर हाँ यस सर, अगर वो हार्वी मतलब फैंसी बोलता, वुड यू लाइक टू बाय इट? तब जाके वो ऑफर बना। नहीं सर, वो तो अपनी सिग्निफिकेंस बता रहा है, बस पूछ रहा है सामने वाले से, तो ये तो प्रॉमिस ही हुआ ना एक तरीके का। बेटा तेरा आवाज कट हो रहा है तो तेरी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया हूँ, सॉरी। सर उसने बोला वुड यू लाइक टू बाय इट, तो ये थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट बनाई, वो तो उसने सामने वाले की विलिंगनेस जानने की कोशिश की ना। कॉन्ट्रैक्ट की बात ही कहाँ की हमने यहाँ पे? नहीं मतलब ऑफर भी नहीं बना ना, मतलब वुड यू लाइक टू बाय इट उसने पूछा सामने वाले को। तो तो ऑफर क्या होती है, समझा मेरे को थोड़ी। सर जब अपन कोई चीज सामने वाले को देने मतलब ऑफर करते हैं और उससे उसकी विलिंगनेस जानते हैं, हाँ तो तो ये चीज ऑफर होती है। तूने जो बोला वो क्या था अभी? ठीक है, उसने ऑफर दिया तो उसके बाद मतलब कोर्ट में वो क्यों जा सकता है? उसने तो मतलब ओ शिट, कोर्ट में वो नहीं जा सकता इस केस में, फैंसी मतलब अभी तक फैंसी सही है। वो है ही नहीं, फेसी है पहले तो।
डोंट मेक इट फैंसी, ठीक है। और इस केस के अंदर फेसी ने जो रिप्लाई किया था वो ऐसी इंफॉर्मेशन का था जो ऑफर नहीं थी। फेसी ने जिस बारे में इंफॉर्मेशन का रिप्लाई किया, बात को समझ, पहला प्रश्न जो हार्वी ने फेसी से पूछा वो ऑफर नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट का जब रिप्लाई किया फेसी ने कि ये कहकर कि इस जगह की कीमत इतनी है, उसके बाद वो कहे कि आई एग्री टू बाय दिस एट रुपीज सो एंड सो, वो ऑफर मानी जाती इन दैट केस। अगर वो उसका रिप्लाई फेसी करती कि भाई मैं बेचना, आई एम रेडी टू सेल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। विश्वास को मैंने पूछा तेरी घड़ी कितने की है, विश्वास ने बोला मेरी घड़ी 25 लाख की है, मैं खरीदना चाहता हूँ, हाँ सर मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता। मैं खरीदना चाहता हूँ, उसे रिप्लाई नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। पहला स्टेटमेंट तेरी घड़ी कितनी की है वो ऑफर नहीं है, तेरी घड़ी कितनी की है वो ये बताती है कि मुझे तेरी तेरी घड़ी का भाव जानना है, वो नहीं बताती कि मुझे वो खरीदना है। तो जब वो चीज ये बताती है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि तेरी घड़ी की कीमत क्या है, दैट डज नॉट मीन कि मैं प्रपोजल दे रहा हूं। और कीमत जानने को स्टेटमेंट कहते हैं, प्रपोजल नहीं कहते। ये इनका कंक्लूजन था। क्या हम दुनिया में ऐसी चीज नहीं करते रोहित, जहां पे हम किसी की महंगी चीज, किसी फ्रेंड की वॉच, किसी फ्रेंड की फोन, किसी फ्रेंड की टी शर्ट को हम पूछे पड़ी थी कि कितने की है, अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो चाहिए, इसका मतलब ये कि मुझे वो जानना था। आपका दोस्त नकुल का बर्थडे हो, टी शर्ट जैकेट पहन के आया हो, गौतम गौतम कितने का है, 2,000 का, चल निकल ये ले 2,000 रुपये, तो निकाल देगा जैकेट वो। अरे भाई तू क्या कर रहा है भाई। तो स्टेटमेंट्स को प्रपोजल से अलग करने की इच्छा, क्लैरिटी देना, ये केस स्टडी ने सिखाया कि स्टेटमेंट को कैसे अलग कर सकते हो, किससे, प्रपोजल से अलग करने की क्लैरिटी हमने दी। इसलिए कहा गया था नहीं कि हर प्रपोजल के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस, एसेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू, ये चार चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, तब जाके वो प्रपोजल बनेगा, नहीं तो वो प्रपोजल नहीं सिर्फ स्टेटमेंट बनेगा। तो अरे अब है ना, अब सेकेंड फेज में आते हैं हम लोग, सीधा हेड सर क्या। हाँ ये जो फेसी है ये डिफेंडेंट है और ये हैरी है ये क्लेमेंट, ऐसा कुछ। हाँ हार्वी वर्सेस फेसी में हार्वी जो केस करे ना उसका नाम पहला होता है, और जिस पे केस हो उसका नाम दूसरा होता है। जिसका नाम पहला होता है ना, दैट इज ऑलवेज द पर्सन हु इज फाइलिंग द सूट। डिफेंडेंट यानी वो जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस पे केस फाइल हुआ। प्लांटिफ यानी वो जो केस कर रहा है, प्लांटिफ, एंड डिफेंडेंट यानी वो जिस पे केस हुआ। विजय माल्या पे अगर मोदी जी ने केस किया तो मोदी जी क्या बन जाएंगे, प्लेंटिफ, और विजय माल्या क्या बन जाएंगे, डिफेंडेंट बन जाएंगे। जिस पे केस हुआ वो डिफेंडेंट, जिसने केस किया वो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ। चलो ए बी सी डी ये सब ना टाइप्स ऑफ प्रपोजल है। क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रपोजल, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजल के अलग अलग टाइप्स। परिधि, पहला प्रपोजल का टाइप जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्रपोजल। कौन सी प्रपोजल्स, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस प्रपोजल ओरली या रिटन में होती है, और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, डू यू एग्री। तो क्या आपको ये तो पता है ना, तो पहली वाली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ ली। कौन सी वाली, एक्सप्रेस यानी ओरली, जैसे आई लव यू बोला, इम्प्लाइड यानी गुलाब का फूल दिया। तो जब गुलाब का फूल विश्वास से किसी लड़की को दिया तो विश्वास क्या कहना चाह रहा है, सर विश्वास आई लव यू कहना चाह रहा है। रोहित कहता है सर वो तो फूल बेचने आया था, गुलाब का फूल बेच रहा था, ऐसा सोचेंगे हम। सर नहीं, गुलाब का फूल एक लेके आया था, वो बंदा प्रपोज कर रहा है, तो ये इम्प्लाइड है। क्या है ये, इम्प्लाइड प्रपोजल कैसा हो सकता है, इम्प्लाइड भी और एक्सप्रेस। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ प्रपोजल जो, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो
चलो एक बार पढ़ लीजिए मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, ये वाला पढ़ लीजिए, एक्सप्रेस पढ़ लीजिए फटाफट। पढ़ लिया होगा एक्सप्रेसिव लाइट, यस और नो? अबे ना स्पेसिफिक, सेकंड पार्ट में आता है स्पेसिफिक और जनरल ऑफर, क्या आपको दिख रहा है? अब इसके इसके रेफरेंस पे मैंने केस लॉ लिया है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब यहां पे आप आओगे तो आपको और दिखेगा, ध्यान से देखो, ये रियल इमेज मैंने यहां पे डाली है, जो एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में ऐड आई थी ना उसका स्नैपशॉट है, रियल इमेज है। ये कौन से साल का केस है? मेरे हिसाब से ये 1920 के आजूबाजू केस स्टडी था, 1920 मतलब आज से मिनिमम 100 साल पहले। डू यू अग्री? सुनना है केस स्टडी, हार्वी वर्सेस फेसी के बाद कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। मानो देवयानी मैडम कार्लिन मैडम है हमारे, उस जमाने में आज से एग्जैक्टली 100 सवा 100 105 साल पहले एक बीमारी आई थी जैसे कोविड थी, उसको कहते थे इन्फ्लुएंजा। क्या कहते थे वहां पे? इन्फ्लुएंजा। जैसे कोविड था वैसे ही थी, जहां पे उसको कंज्यूम करने पे क्या होता था, लंग्स की तकलीफ एंड ऑल दैट। तो किसी कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल, उस कंपनी ने एक दवाई निकाली, दवाई का नाम था स्मोक बॉल। क्या था? स्मोक बॉल, मतलब जस्ट लाइक अस्थमा का कैसा होता है पंप, वैसा स्मोक बॉल। अब वो दवाई खाने से अगर आप जैसे लिखा गया है वैसे खाओगे तो आपको क्या नहीं होगा? आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और गौतम ऐसा होने से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा अगर आपको नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप मरने से बच जाओगे। देवयानी ने, कार्लिन मैडम ने ये एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर में, आगे लिखा था अगर कोई बंदे को फिर भी इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मुआवजा, मान ली कंपेंसेशन। कितना दिया जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा था 100 पाउंड का मुआवजा, 100 पाउंड का मुआवजा, और उसके लिए बैंक में कितने जमा कर दिए थे पैसे? 1000 पाउंड जमा कर दिए थे बच्चों। क्या जमा कर? 1000 पाउंड बैंक में जमा कर दिए थे कंपनी ने अलग से। देवयानी ने वो स्मोक बॉल लिया, कंज्यूम किया सुबह शाम 7 दिन 10 दिन जैसे कहा गया था गौतम, फिर भी देवयानी को क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा। और फिर देवयानी गई कोर्ट में ये कहने के लिए, अभी मुझे क्या चाहिए? 100 पाउंड चाहिए। 100 पाउंड मतलब आज के जमाने के साथ मान लीजिए 25-50 लाख रुपए तो मिनिमम, ठीक है? अब ये पार्ट के लिए कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में कंपनी कहती हम तो नहीं देने वाले, ये तो सिर्फ एक छलावा था, ये तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट था, ये तो सिर्फ टाइम पास गेमिंग था। जैसे नहीं था आप फेस वॉश लोगे तो गोरे हो जाओगे, खाओगे तो लंबे हो जाओगे, बाल लंबे हो, ये सब की तरह एक एडवर्टीजमेंट था। पफ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? PUFF, पफ। पफ यानी बोल बच्चनगिरी, ये तो पफ था जैसे हर एक जगह पे होता है, इसके पैसे तो हम नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट ने बोला, सुनना ध्यान से मेरे शब्द, कोर्ट बोला कि ये पफ ही होता। लेकिन जब तूने ये कहा ना कि उसके लिए हमने बैंक में अलग 1000 पाउंड जमा कर दिए हैं, तूने ये 1000 पाउंड अलग करके बैंक में जमा कर दिए हैं, तू जब ये कहता है तेरा इंटेंट लीगल हो गया। क्या सर आपने सिखाया था वो वाला? हाँ वो, आपका इंटेंट क्या हो गया? सोशल के लीगल लीगल हो गया।
तो कंपनी ने बोला अच्छा आप मुझे फंसा रहे हो, फंसा नहीं रहा हूं, तुझे देना पड़ेगा। तो कंपनी ने एक और मस्ती निकाला, वो क्या, वो जानने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया, ये जो एडवर्टीजमेंट था गौतम, इसे पब्लिक ऑफर कहा जाता है। कौन सी ऑफर, पब्लिक ऑफर या फिर ओपन ऑफर, जहां पे कोई भी इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सके। तो हम टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ रहे थे, ऑफर के टाइप्स में स्पेसिफिक ऑफर होती है और कौन सी होती है, पब्लिक ऑफर होती है। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर यानी ऐसी ऑफर जो कोई भी एक्सेप्ट कर सके, और स्पेसिफिक ऑफर यानी वो ऑफर देवयानी जो जिसको किया गया है वही कर सके और कोई ना कर सके। तो ऑफर जैसे टीवी में आ रहा है कि अमेजोन पे सेल है तो कोई भी ले सकता है बेनिफिट, लेकिन वो ऐसा बोले ना कि अमेजोन का सेल फर्स्ट डे के लिए सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा उस दिन के लिए। रतलाम वालों के लिए बोला गया, रतलाम के बच्चों का होगा फेलिसिटेशन, 12:30 बजे आ जाना सब लोग रतलाम के सेंटर पे। तो फिर क्या हो गया, सिर्फ रतलाम के बच्चों का होने वाला है। मतलब जब कोई चीज, शादी है किसी की, बुलाया गेस्ट को, कौन सा स्पेसिफिक, मोदी जी ने बोला सबको पार्टी, भारत देशवासियों को सबको, ओपन हो गया। आइए पढ़ लीजिए ये पार्ट, सेकेंड पार्ट पढ़ लीजिए। अभी और मजा आएगा, पर ये को इसमें एक और केस लॉ आने वाला है थोड़ी देर के बाद, ये पढ़ लीजिए बच्चों, स्पेसिफिक और हो गया, हो गया पढ़ के, क्या पढ़ा आप लोगों ने, स्पेसिफिक और जनरल ऑफर पढ़ा, डू यू अग्री? अरे आगे जाओ क्या, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, आप ये पढ़ो तो खुद खुद से पढ़ो, ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल देख लो आपको आइडिया आ जाएगा। बच्चों पढ़ा, चलो विश्वास क्या सीखा बोल दो, स्टैंडिंग ऑफर में क्या सीखा, सर जो ऑफर एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए हो, जब कोई पब्लिक ऑफर देवयानी या कोई स्टैंडिंग ऑफर, सॉरी कोई स्पेसिफिक ऑफर या पब्लिक ऑफर, वो ऑफर को अगर समय ऐड कर दो तो वो क्या बन जाती है, वो पब्लिक अच्छा ऑफर स्टैंडिंग बन जाती है। मतलब सिंपल है कि जब कोई ऑफर में समय की क्लैरिटी आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, स्टैंडिंग हो जाएगी। हेलो, ऑफर सेल फॉर 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, ये सब क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग, डू यू अग्री? अब आता है लास्ट टू ऑफर्स, लक्षित अभी तक क्या सीखा सर, एक्सप्रेस इंप्लाइड, जनरल जनरल स्पेसिफिक और स्टैंडिंग, तीन सीखा।
एक्सप्रेस मतलब बोलना या लिखना, इंटर मतलब बाय बिहेवियर, फिर ओपन पब्लिक को दिया है जो कोई भी एक्सेप्ट कर सके, तो पब्लिक, और कोई भी करे जिसको बोला गया है वो तो स्पेसिफिक, और तीसरा टाइम लिमिट के हिसाब से हो तो स्टैंडिंग ऑफर। ये तीन ऑफर हुए हमारी बराबर, चौथी ऑफर पे जा रहा हूं मैं परिधि, चौथी ऑफर पे क्रॉस ऑफर। सर वो जो अपन ने केस स्टडी करा था उसमें उसने 1000 रिपोर्ट अगर डिपॉजिट नहीं कराए होते तो अपन उस पे केस शुरू नहीं कर सकते थे क्या? अगर वो डिपॉजिट नहीं किए होते तो देख भाई, तुझे बहुत कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे। पहली बात तो ये है कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं, तो मैं कहता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो वहां पे ये बात आती कि तुम्हारा इंटेंट क्या माना जाता बेटा, सोशल। अब क्यों ऐसा होता है पता है, विश्वास, क्योंकि आप टीवी में ऐड देखते हो लक्षिता के, शैम्पू यूज करोगे तो आपके बाल लंबे काले घने हो जाएंगे। आप वो शैम्पू यूज करते हो? हाँ करते हैं। तो आपको लगता है ऐसा होने वाला है आपके साथ? नहीं, मतलब आपको पता है ना वैसा नहीं होता। फेस वॉश यूज करो तो आप ऐसे भाई हीरोइन लगने लगो, लेकिन आप वो यूज करोगे फिर होने वाला है ऐसा आपके साथ। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है जो कहा गया वो गलत है। वैसे ही विश्वास दवाई में भी ऐसा होता है। नहीं, जब आपने ये कह दिया ना कि हमने इसके लिए 1000 रुपये जमा भी किए, इसका मतलब आप क्या प्रूव कर रहे हो कि हम जो कह रहे हैं वो गारंटीड है। जैसे एग्जाम्पल कल ऐसा हो जाए लक्षिता, क्लिनिक प्लस के ऐड आ जाए कि हमारा शैम्पू एक बार यूज करो और आपके बाल अगर जितने हैं उससे डबल ना हो जाए तो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उसके लिए हमने 1 करोड़ जमा करके रखे हैं। आपको, अरे भाई ये तो सीरियस हो गया है, अगर हमारे बाल लंबे नहीं हुए तो वो 1 लाख रुपया हमें देगा। खाली हमें क्या करना है, रोज पोस्ट करना है हमारा इंस्टाग्राम पे कि हमारे हमने शैम्पू करा और हमने उनके कोई भी प्रोसीजर होगा अपलोडिंग के भाई द साइज ऑफ योर हेयर डे इन डे आउट। ऐसा कुछ करने पे विश्वास गेम चेंज होगी। पर तू जो मुझे पूछ रहा है ना वो केस स्टडी का रिप्लाई है विश्वास, वो सत्य घटना नहीं है। जो हुआ है वो मैंने बोला। अभी तो मुझे कहे कि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, वो इमेजिनेशन है मेरा और तेरा। क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है, तो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। तू समझा मैं क्या बोला? मैं तुझे अभी कानून नहीं पढ़ा, मैं तुझे अभी केस लॉ पढ़ा रहा हूं। तो कानून तो बना है, लेकिन केस लॉ तो फैक्ट है जो 1920 में हुआ था। अब तू उसको ट्विस्ट करेगा, इसे ऐसा नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो वो मेरा ओपिनियन दे रहा हूं तेरे को। मैंने कुछ लिखा नहीं उसके बारे में। आई होप तुम समझ रहे हो सही क्या है, ओपिनियन क्या होता है। सर इस केस में कंपनी ने फिर बोला क्या, डिफेंडेंट ने कंपनी अपने ने आप को क्या बोला, डिफेंड, कंपनी वॉज लायबल टू पे फाइनली। कंपनी वो तो कोर्ट, कंपनी ने अपने डिफेंस के लिए क्या बोला था सर? ने फर्स्ट डिफेंस ये कहा था कि भाई हम ये पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि ये पफरी है, पफरी यानी एक एडवर्टीजमेंट गिमिक है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए। तो सर एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे अगर उनने मतलब मिसगाइड किया है, जैसे एक टाइम पे रेडबुल ने किया था, रेडबुल गिव्स विंग्स करके, और फिर कंपनसेट भी किया था आपने पहले बताया था, तो पैसा मैंने कहा बताया, गलत मैंने आपको बताया था, मैंने कैसे आपको बताया? सर आपने अपने शायद फर्स्ट या सेकंड जब क्लास चालू हुई थी जून वाली बैच की तब आपने बोला था ये। अपने पास है ना, मैंने आपको ये कहा होगा कि मैं एडल गिव्स यू विंग्स की एग्जांपल दूंगा, ऐसा बोला था विश्वास के, दे दिया था दे दिया था सर, आपने बोला था कि एक बार एक मैं कंपनी आपको, थी। मैं आपको अगर बस टाइम है थोड़ा ज्यादा पढ़ने का है टाइम, इच्छा है आपको मैं सर सर मस्ती करे, देख नहीं है, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये सब चल, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, आज के बाद मैं एक्स्ट्रा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं आपके पास टाइम नहीं है, तो आज के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास में कुछ मसाला नहीं लूंगा, मसाला सुनना है तो लेक्चर के बाद सुनेगा, लेक्चर के अंदर मसाला नहीं क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट है, ठीक है, इसीलिए अभी आज सुन ले, आज के सर को आता है, ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा था मैं, देख यूएस कोर्ट में ये प्रूव हुआ था कि वो मिसलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर्जरी थी, क्या थी, फॉर्जरी थी, और रेडबुल लायबल था पे करने के लिए, रेडबुल लायबल था पे करने के लिए, यहाँ पे भी कंपनी लायबल हुई पे करने के लिए, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कंपनी लायबल हुई पे करने के लिए, यहाँ पे कार्बोनिक स्मोक भी लायबल हुई पे करने के लिए और वहां पे रेडबुल भी लायबल हुई। अब बात आती है पफरी वर्ड की, बात क्या आती है, तो मैंने पफरी के आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया, शैम्पू का एग्जाम्पल दिया,
फेस वॉश एग्जाम्पल दिया। अब रेड बुल गिव्स यू विंग्स वॉज द एडवर्टीजमेंट, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो विंग्स का मतलब होता है पंख, लेकिन रेड बुल गिव्स यू विंग्स में विंग्स का मतलब पंख नहीं होता था। सिखाया था मैंने आपको कि नहीं सिखाया था? सिखाया था कि नहीं सिखाया था मैंने आपको ये? सर आपने बोला था बाद में वो चेंज कर दिया IIIC से। हाँ अरे मेरे बाप, पूरा सिखाया था कि नहीं सिखाया था? देख भाई, रेडबुल गिव्स यू विंग्स में रेडबुल केस इसलिए नहीं हारा था क्योंकि रेडबुल पीने से विंग्स नहीं आए थे वहां पे। देव किसे रेडबुल पिया, रेज योर हैंड्स, रेडबुल वाला कोई यहाँ पे? कुछ जमेगा रंग जब हम बैठेंगे 3 यार। आप बैक पेपर ऐसे लोग हैं यहाँ पे, बैक पेपर वाले हैं? बैक पेपर नहीं देखता, नहीं किसने हाथ ऊपर किया रे मेरे बदले? सुन भाई, सुना ध्यान से, इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बेंजामिन करके एक इंसान था, बेंजामिन, जिसने रेडबुल पिया था, और रेडबुल पीने के बाद उसे वो पावर नहीं आया, वो एनर्जी नहीं आया जिसकी वो इच्छा रखता था पीने के बाद, क्योंकि रेडबुल में क्या, रेडबुल क्यों पीते, एनर्जी के लिए। तो उसने यूएस कोर्ट पे केस फाइल किया और कहा कि भाई रेडबुल तेरे को पीने के बाद मेरे को एनर्जी नहीं आया। तो उसने लिखा कि मुझे विंग्स नहीं आया। तो कोर्ट ने बोला कि तूने तो, कोर्ट बोला तू तो क्या सुन बोल रहा है, विंग्स थोड़ी ना आता है किसी को, विंग्स थोड़ी ना आता है रेडबुल पीने से, पागल हो गया, तो सिर्फ बोलने की बात है बराबर रोहित? तो कोर्ट बोला तू इसके लिए मेरे पास मत आ, रेडबुल गिव्स यू विंग्स तो क्या है गौतम, इसका मतलब विंग्स आएगा क्या रेडबुल पीने के बाद? सर नहीं आएगा। तो कोर्ट में रेडबुल हारा क्यों? तो बेंजामिन बोला साहब मुझे भी पता है कि रेडबुल पीने से पंख नहीं आते, तो जब वो लोगों ने लिखा था ना कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, तो मैं वो विंग्स मतलब वो विंग्स नहीं बोल रहा हूँ। आप रेडबुल को पूछे विंग्स मतलब क्या, रेडबुल बोला विंग्स मतलब एनर्जी पावर एंड बूस्टर। तो बेंजामिन बोला सर जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरे को समझ में आया रेडबुल गिव्स यू मतलब शक्ति आनी चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा है? तो बोला सर जी रेडबुल ने कहा था कि हमारे रेडबुल में ज्यादा पावर है, ज्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू कप ऑफ कॉफी। क्या कहा गया था? कॉफी के कंपैरिजन में हमारे में ज्यादा शक्ति होती है, बूसर होता है। बोला क्यों होता है बोल तो जरा सा। तो रेडबुल ने बोला हमारे में कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन। तो वो बोला कॉफी में भी कैफीन होता है? तो बोलता हमारे अंदर कैफीन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड कॉफी। तो बोला एक काम करते हैं, स्टारबक्स का एक कॉफी उठाते हैं, उसका कैफीन कंटेंट देखा तो परिधि 80 mg था। कितना था? 80 mg। और रेडबुल तेरा कितना कितना, सॉरी स्टारबक्स के कॉफी में था 320 mg और रेडबुल में था 80 mg। कितना mg? 80। और दोनों का भाव सेम था। तब बेंजामिन भड़क गया, बोला सर आप बात को समझो, जितने जितने में रेडबुल आता है उतने में स्टारबक्स की एक कप ऑफ कॉफी थी 2014 में, सेम भाव था, सेम भाव, वन कप ऑफ कॉफी ऑफ स्टारबक्स एंड और रेडबुल इन यूएस, सेम भाव था गौतम, लेकिन रेडबुल में सिर्फ 80 मिलीग्राम, रेडबुल में सिर्फ 80 मिलीग्राम कैफीन है और कॉफी में 320 मिलीग्राम कैफीन है। तो किस मुंह से रेडबुल ने एडवर्टाइजमेंट कर दी कि तुम ज्यादा एनर्जी देते हो कॉफी ज्यादा, किस मुंह से, जहां पे आपके अंदर तो 1/4 mg है एज कम्पेयर टू कॉफी। और रेडबुल ने खुद माना कि हमारे जूस, हमारे ड्रिंक में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। किसके अलावा कुछ नहीं है? कैफीन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कोर्ट ने ये माना कि ये तो फ्रॉड हो गया है इन्वेस्टर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, कि जब आप ये कहो कि कॉफी से हम ज्यादा ताकत हो रहे, जब आपके अंदर कॉफी से 1/4 वैल्यू ऑफ mg कैफीन है, इसलिए रेडबुल के साथ। बाकी रेडबुल गिव्स यू विंग्स वॉज अ पफ, वो पफ ही था, उससे हारा नहीं है। और उसके बाद है ना देवयानी, पफ का विंग्स का मतलब कोर्ट ने कहा विंग्स मतलब एनर्जी, एनर्जी भी नहीं थी, एनर्जी भी नहीं थी, इसलिए केस हारा गया। इसलिए रेडबुल ने क्या किया, विश्वास, रेडबुल ने ईगो देख, ईगो देख, सेम चीज कंटिन्यू की, रेडबुल गिव्स यू विंग्स वापस कंटिन्यू किया 2016 में, वापस केस हारा सेम रीजन से। रेडबुल वापस हारने के बाद हाथ पकड़ा, कांध पकड़ा और फिर क्या किया, WII नहीं IIINGS लिखा एस विंग्स।
तुमको पता है क्यों? आप कहोगे सर हाँ भाई लिखा कि विंग्स का मतलब चेंज हो जाए बराबर, आपको बताता हूँ क्यों दे गया नहीं, क्योंकि डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफर्ड में WIIIIIGS का मीनिंग है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में WIIIIGS का तो शब्द ही नहीं है, विश्वास कोई शब्द ही नहीं है ऐसा कोई। तो कल उठ के कोई ऐसा बोले कि हमने विंग्स नहीं आया और वो वापस आ जाए, तो रेडबुल ने अब जो शब्द निकाला है वो शब्द का कोई अर्थ है या नहीं है? वो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए कभी भी रेडबुल अभी केस हार सकता नहीं है, शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो तुमने मुझे छेड़ा, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मान लो अगर कोई चीज लिखी हुई लिटरली, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से केस बनता है सर। लिटरली मीनिंग कभी भी कंसिडर किया नहीं जाता अगर उसका मीनिंग इंटरप्रेशनल लेवल पे अच्छा हो सके तो। तो सर आप जिस लिटरली हिसाब से बताओ, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको, हमारे मुंबई में और तुम्हारे रतलाम में स्टार्टर्स कोई भी मिलता है स्टार्टर्स, तो हमें स्टार्टर्स के नाम है ना सेम टाइप के भी होते, अलग अलग भी होते हैं। जैसे जिया, इफ आई टेल यू के हम पनीर टिक्का खाते हैं ना, पनीर का तंदूरी पनीर खाते हैं, उसका नाम कैसा होता है पता है? कोई अलग नाम भी होता है। कैसा? अगर वो तीखा चाहिए तीखा तो क्या होता है? तीखा के बदले क्या लिखते हैं वो लोग? मुझे कुछ हेल्प करोगे? तीखे को क्यों लिखा करेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग? मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। अगर तुम लोग सारे हेल्प करो थोड़ा टीचर को, क्या बोलते हैं उसको? चिली? नहीं, चिली तो अंग्रेजी हो गया बेटा, थोड़ा बारबेक्यू। धन्यवाद मैं बताता हूँ आपको सुन के। तो जैसे मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, चलो पनीर की सब्जी की बात एग्जांपल से याद करता हूँ। पनीर की सब्जी में पनीर बटर मसाला, नॉर्मल सब्जी समझ में, पनीर बटर मसाला होगा, पनीर टिक्का मसाला समझ में आता है, लेकिन पनीर लबाबदार या पनीर पनीर हैदराबादी, पनीर ऐसा कोई भी नाम दे दिया, कुछ भी पनीर के साथ कोई टैगर अटैच कर दी, तो हमें समझ में आएगा मैं पनीर महाराजा, पनीर मुमताज, ये कौन है भाई? तो फिर उसका लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो मीनिंग लिटरल लेंगे ना, मुमताज आएगी क्या अंदर खाने में? नहीं आ सकती। पनीर महाराजा, महाराजा का पनीर क्या बोल रहे हैं? मतलब महाराजा यानी बहुत स्पेशल हो सकता है, मतलब आपको फिर नाम को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लिटरली तो बोलोगे तो कुछ भी हो जाएगा, समझा क्या? हेलो, हमारे यहाँ पे आती सैंडविच, चंगली सैंडविच, चंगली सैंडविच, चंगली सैंडविच यानी क्या? तो सर फिर उसके मीनिंग को समझना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, तब लिटरल मीनिंग यूज नहीं कर सकते। अभी वो बच्चा किधर गया जिसको लिए हमने ये सब टाइम पास किया फुकट का, रेडबुल गिव्स यू। आपको पता है यू नो ध्रुव राठी, द यूट्यूबर ध्रुव राठी, उसके यूट्यूब चैनल पे रेडबुल गिव्स यू विंग्स का एक केस स्टडी दिया है यूट्यूब पे, जिसमें 4 मिलियन व्यूज होंगे। वो प्योरली गलत है, मैं ऑन पेपर कहता, वो प्योरली गलत है। उसने विंग्स वाला एग्जाम्पल कौन सा दिया, जैसे इससे दिया था ना अभी, कौन सा लड़का, उसने वो लॉजिक यूज किया है, तनय ने जो कहा वो यूज किया उसने उस वीडियो पे, फिर भी 4 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखा है, ये सुन समझ कर कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन वो गलत है। मैं इच्छा करूंगा कि मैं यूट्यूब पे वो वीडियो डालूंगा, आप लोग देखना वापस। चलो आपने तो समझ लिया रेडबुल गिव्स यू विंग्स का कितना डेप्थ हो सकता है उस रेफरेंस में, अब पागल हो जाता। नहीं कुछ समझ में आया तो? नहीं समझ में आया कुछ कि गया बाउंसर? नहीं नहीं सर, सब समझ आ गया। अभी छोड़ देना, अभी मोह माया छोड़ देना, नया समझने की, अब उस सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है? हाँ, थक गया मैं। ये बोलो तो ये वाला पार्ट खाली पढ़ो, खाली जो हाईलाइट किया वो पढ़ो। बेटा
एक बार पढ़ा होगा। अब ध्यान से सुनते हैं, एक ऑफर जिसका नाम है क्रॉस ऑफर। कौन सी ऑफर रोहित? क्रॉस। रोहित आवाज कर, ऑडियो ऑन कर बेटा। क्रॉस ऑफर रोहित क्रॉस ऑफर को समझते तेरे एग्जाम्पल के साथ। क्रॉस यानी, क्रॉस ऑफर यानी क्या? जब एक इंसान दूसरे इंसान को एक ही समय पे, एक ही रेफरेंस पे एक दूसरे को ऑफर करे तो हम उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। यानी रोहित के मन में था कि मैं पूजा को प्रपोज करूं, वही पूजा जो गौतम या किसी के साथ भी बात हुई थी ना हमारी, तो पूजा के मन में भी था कि मैं रोहित को प्रपोज करूं करूं करूं, लेकिन ना रोहित ने पूजा को किया ना पूजा ने रोहित को प्रपोज किया। एक दिन रात को दोनों ऑनलाइन थे, वो भी ऑनलाइन था ये भी ऑनलाइन था, दोनों टाइप कर रहे थे। रोहित ने सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं प्रपोज कर लूंगा, आज मेरा बर्थडे है मैं प्रपोज कर लूंगा। पूजा ने सोचा आज कुछ भी हो जाए रोहित के बर्थडे मैं उसको प्रपोज कर लूंगी। और ये पॉइंट पे वैदेही सॉरी देवयानी 12 बजे के टाइम पे रोहित ने पूजा को और पूजा ने रोहित को क्या किया? प्रपोज किया। मतलब 12 बजे टिक 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 टिक, और यहाँ पे देख रहा है आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू विल यू मैरी मी, आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी विल यू मैरी मी। दोनों ने एक दूसरे को एक ही सब्जेक्ट, सेम इंसान सेम समय, जब कोई चीज करी जाती है उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। क्या ऑफर समझ में आई? अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? क्या रोहित, क्या पूजा तेरी हुई या नहीं हुई? क्या पूजा की रोहित या रोहित का पूजा, क्या बोलते हैं? रोहित की पूजा हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई बोलो जल्दी। रोहित बोले सर मेरी तो हो गई सर। गौतम को क्या, गौतम को, गौतम गंभीर को क्या लगता है? गौतम गंभीर नहीं हुई, तेरे को चाहिए? नहीं चाहिए। बात को समझना, दोनों साइड से प्रपोजल है, दोनों साइड से प्रपोजल है, किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है। दोनों साइड से प्रपोजल है, किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है प्रदीदी, यानी अभी तक ये ऑफर ही है, एक्सेप्ट हुई नहीं है। रोहित भाई प्रपोजल है रेडी, होने वाली है, हुई नहीं है। अब देखो क्या होता है, जिया है ना, जिया मैडम वो पूजा के बाजू में बैठ के पढ़ रही थी। पूजा ने बोला कि आज मैंने प्रपोज किया। जी ने पूछा किसको प्रपोज किया, दिखा दिखा किसको किया, और एकदम एक्साइटेड थी जिया देखने के लिए कौन है ये। और देखता है तो रोहित, अरे ये लड़का, अरे भाई इसके तो 25 बॉय गर्लफ्रेंड थी, 2 साल में इसको देखती हूँ, मेरे बाजू में ही रहता है, तुझे कोई नहीं मिला, ये मिला तुझे, ये देख ये वाली उसकी, ये उसकी, ये उसकी, देखिए मेरी फ्रेंड, बात करो बात करो, देखिए देख इसको पूछ, इसको पूछ। मतलब इतना टॉर्चर कर दिया जिया ने, के क्या हो गया? पूजा के मन से रोहित का भूत उतर गया आधे घंटे में। और यहाँ पे तरुण जैन बैठा था इसके बाजू में, रोहित के बाजू में, और ये स्टोरी तरुण ने रोहित से की, और रोहित से भी क्या हो गया, पूजा का भूत पूरा उतार दिया कि ऐसी तो, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, उसका तो ये था वो था, एक्स था वो था, एक्स वाई जेड सब कुछ था उसका। वही तेज बोला भाई हाथ जोड़ दिया माफ कर दे। अब पूजा ने रोहित का प्रपोजल रिजेक्ट किया और रोहित ने पूजा का प्रपोजल रिजेक्ट किया। इससे प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है? क्रॉस ऑफर क्या नहीं है, वो ऑफर है जो एक्सेप्ट हुई नहीं है। आई होप आपको समझ आ रही है। एक बार ध्यान से देखो ये पार्ट, मैंने एग्जाम्पल दिया है बेटा, एग्जाम्पल यहां पे दिया, प्लीज पढ़ लीजिए प्लीज।
अरे करसू पाकू बेटा, पाकू आ जाए। ये भी पढ़ो बच्चों। समझा? हेलो, समझा क्या सीखा देवयानी? क्रॉस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। क्रॉस ऑफर जो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं दोनों साइड से, उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे नहीं। रोहित क्लियर है? तरुण क्लियर है? सबको क्लियर है? टू क्रॉस एन एग्जांपल दिया है, नीचे समरी दिया था, नोट दिया था, सब कुछ दिया है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। अभी चाहता हूँ गौतम, आगे जाओ गौतम। एग्जाम्पल लेते हैं अभी रोहित का, कंटिन्यू करते हैं। पूजा से तो बात टूट गई। अब मान लीजिए दीपिका करके एक लड़की थी, रोहित ने किया दीपिका को प्रपोज। दीपिका बोली आई लव यू टू, बट क्या बोली? बट आई हैव नेवर सीन यू एज माई लाइफ पार्टनर, आई विश यू टू बी माई ब्रदर। क्या तू मेरा भाई बनेगा? आई लव यू टू। अब रोहित के दिल के अरमा आंसू में बह गए। रोहित जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बातें कर रहा था, उसने आई लव यू टू तो बोल दिया, लेकिन कैसे? तू मेरा भाई। ये सुन के रोहित जो ऑफरर था, ऑफर ही बन गया। कैसे? रोहित ने ऑफर करी थी दीपिका को, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? और दीपिका ने ऑफर करी रोहित को, क्या तुम मेरा भाई बनेगा? यानी आपकी ऑफर पे कोई और ऑफर आपको कर दे, उसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट हो जाती है और उसके सामने प्रीति दूसरी ऑफर आपको हो जाती है। ऑफर के सामने ऑफर, पहली वाली ऑफर रिजेक्टेड, फ्रेश न्यू ऑफर मेड, इज कॉल्ड काउंटर ऑफर, ऑफर एंड ऑफर। रोहित समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? परिधि समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले रोहित ऑफर था और दीपिका ऑफर ही थी। जब दीपिका ने कहा आई लव यू टू बट कैन यू मी माय ब्रदर, तब दीपिका ऑफरर है और रोहित ऑफर ही माना जाएगा। क्या आपको समझ में आएगा? जब हम दुकान में जाते हैं मुंबई में फैशन स्ट्रीट, आपको वो आपने पूछा भैया ये शर्ट कितने का? उसने कहा मैडम 1,000 रुपए का। आप चलना शुरू कर देते हो। अरे मैडम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, बहुत महंगा है। अरे मैडम भाव तो बोलो, कितने में चाहिए? आपने बोला 200 रुपये में देना है। उसने आपको ऑफर किया था, तब वो ऑफरर था, आप ऑफर ही थे। अब आपने उस ऑफर के अगेंस्ट में एक नई ऑफर करी, तो आप ऑफरर बन जाते हो और वो ऑफर ही बन जाते। इसे काउंटर ऑफर कहा जाएगा। बार्गेनिंग का एग्जांपल भी काउंटर, मतलब जब किसी ऑफर के
अगेंस्ट में आप एक नई ऑफर करते हो जहां पे पुरानी ऑफर रिजेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर नई की जाती है, उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। क्या आपको समझा? अब मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए देता हूं और पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये पढ़ लीजिएगा, बाद में एग्जाम्पल दिया वो पढ़ लीजिएगा। आपको इमेज दिख रहा है गौतम? इमेज दिख रहा है? ये इमेज है बार्गेनिंग का। देख इतना सोच लिया इमेज, तुम लोगों को लगेगा सर टाइम पास करते, नहीं करते। ये इमेज में बार्गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? बार्गेनिंग। इतने में दोगे? क्या भाव दोगे? एप्पल 200 रुपए किलो? नहीं 50 रुपए किलो? नहीं 150 रुपए किलो? क्या हो रहा है? काउंटर ऑफर हो रहा है। हेलो, ये हीरो हीरोइन समझ में आ रहा है क्या? समझ में आएगा? दो चलिए, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या आपको समझा? यहां तक का पार्ट क्लियर है? सुनोगे कुछ मुझसे? लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका लेक्चर टाइमिंग थोड़ा बढ़ेगा और हमारे साथ में देखो, मैं आपको कितना भी ट्राई कर लूँ ना, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो टाइम लगने वाला है। बट हम कुछ भी करके 10th को फिनिश कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी करके। दैट शुड बी अवर टारगेट। तो पंगा क्या करना है हमने को रोहित? कुछ भी हो जाए, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन एलिमेंट वेरी वेल, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। जितना शॉर्टकट मैं यूज करूंगा उतना आपको भारी पड़ेगा, समझा? लेकिन शॉर्टकट से भी इतना यूज करता पड़ी थी कि मैं रिविजन नहीं करवाऊंगा। रिविजन आप लोग कर लोगे घर पे जाके, ये शॉर्टकट हो गया। सर ने बोला पढ़ना ही पड़ेगा, सर ने पढ़ा, रिवाइज करके आना ही पड़ेगा, फिर आगे का जाएंगे लफड़ा हो जाएगा। तो ये कमिटमेंट ले लो कि कुछ भी हो जाए 2-3 बार पढ़ के आएंगे, जो भी सर ने पढ़ा दिया। ठीक है, चलो सुनो। क्या ऑफर भी कंडीशनल? क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? हाँ या ना? यस सर। ए यस, बी नो, सी ए एंड बी बोथ। तीन ऑप्शन है आपके पास। परिधि, कम ऑन, लॉक किया जाए? लॉक करूं मैं? क्या करूं? ए लॉक करूं? ए, सब लोग कंप्यूटर जी, ए को लॉक किया जाए, सी को लॉक किया जाए, विश्वास कहता है। कोई है बी वाला? नो वाला भी कोई पूछ लेता हूं। और लॉक किया ए को। आंसर गलत है आपका, आंसर है बी। ओहो, गलत जवाब। मेरा ये हिस्ट्री है कि आप सही को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। किसी ने ए कहा, किसी ने सी, किसी ने बी कहा, नहीं। और एंड तक लेक्चर खत्म हो, क्लास खत्म होने तक आप कभी सही नहीं दे पाओगे, मेरा गारंटी है तुमको, विश्वास। अभी मैं प्रूव करता हूँ तुम गलत कैसे हुए। शांत से सुनना, मैंने अभी कहा था कि अभी सुनना कि ऑफर को आप अगर कंडीशनल करते हो ना बेटा, उसका मतलब पता है क्या हो गया? जब लड़की ने कहा रोहित से आई लव यू टू, बट क्या तू मेरा भाई बनेगा, तो क्या रोहित की ऑफर भाई बनी जाती? नहीं, क्योंकि रोहित के भाई बनने की कंडीशन कैसे वो एक्सेप्ट कर ले रोहित, जब उसने तो कुछ और कहा था।
आपने कहा हो सेलर को कि पेमेंट कैश में करना है, माल बेचने को 500 रुपये में रेडी हूँ, बायर कहे 500 रुपये में तैयार हूँ खरीदने के लिए टी-शर्ट, लेकिन मैं कैश नहीं दूंगा जीपे करूंगा। तो जीपे की बात ही नहीं हुई है। जैसे ही ऑफर कंडीशनल बनती है परिधि, उसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। हेलो, मैं ना ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको ऑफर कंडीशन कौन से रेफरेंस में हो सकती या नहीं ये जानने के लिए आप अपना अगला एपिसोड पे आओगे, जब मैं एक्सेप्टेंस को कनेक्ट करूंगा। तो कि इतना समझ लो रोहित और एवरीवन एज ऑफ नाउ कि ऑफर कैसे होनी चाहिए पता है? ऑफर को मैं एक्सेप्टेंस, अभी जो मैंने कहा वो भूल जाओ, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, समझो कि मैंने आपको ये नहीं बोला है। एक्सेप्टेंस कंडीशन वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ दो, सिर्फ इतना सुनो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस शुड बी मिरर इमेज ऑफ प्रपोजल। कैसा होना चाहिए? विश्वास, मिरर इमेज ऑफ प्रपोजल, यानी जैसा प्रपोजल वैसा। हम शादी में गए, कोई मुस्लिम की शादी में जाते हैं हम लोग, और शादी के बीच में से कान में पूछते हैं कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, कभी ऐसा कहते हैं कबूल है कबूल, लेकिन तेरी माँ कबूल नहीं है, ऐसा बोलते हैं। या तो कबूल है या तो कबूल नहीं है। हेलो, मतलब ये कि एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल का रेफरेंस नहीं आया, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऑफर में चेंज करते हो, विश्वास, आप ऑफर में कुछ भी चेंज करते हो, ऑफर जिसने के उसमें कोई भी टर्म को चेंज करोगे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर कर देंगे। अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी है जिया, तो कैसे होनी चाहिए, जैसा ऑफर ने कहा वैसी, नहीं तो आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर आप जो करें उसको हम काउंटर ऑफर कहेंगे। जैसे परिधि वही दिन ने मुझे कहा, अगर सर मैं घर पे जूस बनाती हूँ, घर पे जूस बनाती हूँ 500 रुपये का बॉटल, सुनो या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट इट तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या तो मैं कहूँ बेटा 200 रुपये में दोगे मुझे, जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं काउंटर ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो परिधि हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कब बनेगा जब परिधि हाँ कहे या ना। तो परिधि जो मुझे ऑफर करी थी 500 रुपये वाली, वो तो खत्म हो गई। यानी एक्सेप्टेंस में जब मैं कोई टर्म्स चेंज करूंगा, वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, वो काउंटर ऑफर मानी जाएगी। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल परसों सब दिन आप आओगे लॉ के लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक्स के साथ, बराबर है? ठीक है, अब टाइम कितना दे पाओगे वो आपके ऊपर है, जितना टाइम ज़्यादा दोगे वो आपके लिए अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आप, जैसा आपका हुक्म। ध्यान देना, बिल्कुल हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जब तक सर है यहाँ पे तब तक हम लोग 1.5 घंटा रखते हैं। ठीक है, आई सी यू टुमारो, खाली काउंटर ऑफर तक का पार्ट पढ़ के आना। ठीक है, सर, हाँ सर ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो? सर क्या ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ? ट्यूशन प्रैक्टिस? अच्छा, बुक प्रिंट से दूँ मैं आपको यहाँ पे, यस सर। एक मिनट होल्ड करना, यहाँ पे आ जाओ सब लोग। सर सर आशीष सर बोल रहे थे आज कि कल लॉ का टेस्ट है, तो कल है? सर भाई आप लोगों के ऊपर, आप लोग एक बार जो बोल रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है, ये क्या क्या कर रहा हूं मैं आपको? मनमीत सर ने बोला था कि वो सैटरडे संडे आएंगे, लेकिन उन्होंने आज मैसेज किया कि वो आज कल भी आ रहे, मतलब तो पता नहीं अब एग्जैक्टली। भी देखो अभी, हाउ विल आई नो? आप सर को पूछ सर लीजिए, सर उन्होंने आज की क्लास में बोला था कि फ्राइडे सैटरडे आएंगे, संडे कैंसिल हो गया। देखिए जो भी है ना, ऐसा मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको मिलने नहीं वाला, आपको जैसे ठीक लगे, मुझे खाली ग्रुप, मुझे खाली कॉल कर देना या जूम में उसको बोल देना कि आप लोग आ रहे हो। और दूसरा, आपके ऐप आप पे अपलोडिंग सब हो चुके हैं, आपके ऐप आप पे वीडियो सब अपलोड हो चुके हैं, तो जिनका कुछ मिस हुआ था वो लोग सब ऐप्स पे
जो देख पाएंगे सबके सब अपलोडेड है, ठीक है। किसी को तकलीफ होती है तो जूई मेस मैसेज करना कि भाई जूई मेस का नंबर आपके पास होगा है, तो 977 ग्रुप पे है वो, 977-33-51-899, 977-33-51-899 मेरी वाइफ है वो, और आप लोग उनको कनेक्ट कर पाओगे फॉर द थिंग्स फॉर ऑल ऑल बैक ऑफिस वर्क। जैसे आपका टेस्ट होगा तो अपलोडिंग ऑफ पेपर्स, मार्क्स मिलना, मार्क्स नहीं मिला किसी का चेक नहीं हुआ तो, या फिर वीडियो नहीं दिख रहा है तो, ऐसा कुछ भी दिक्कत होगी तो आप उनको कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हो जो पास ना हुआ हो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर तो उनको मैसेज ड्रॉप कर देना कि आई विल बी हैविंग अ सुपर क्रैश कोर्स सेशन ओनली फॉर द पीपल हु हैव डन वंस एनीवेयर इन इंडिया, जिनके साथ हम लोग क्रैश कोर्स लेंगे। तो आप लोग का कोई फ्रेंड जो फेल हुआ हो, जो डिप्स में ना हो, डिप्स वाले तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, जो डिप्स में ना हो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ, जय श्री राम एंड जय श्री कृष्ण। बाय बाय, सी, जय महावीर, जय जिनेन्द्र। जय मैं जल्दी पहुंच जाता जिनेंद्र है, समझते मैं, ठीक है, सर, चलो। क्वेश्चन दे रहे थे ना वहां अरे पे। यार सॉरी, ये लोग कुछ ना कुछ बीच में डालते जाते हैं मेरे को, एक मिनट रुक जा। अभी तक है ना अपने बहुत ऑफर एक्सपेरिमेंट जो किया है ना, उसमें लिख पहले लिखो कि थियोरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6 कवर कर लो। और क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लो, पेज नंबर 3, इतना कर लेना, ठीक है। कंटेंट थोड़ा सा ही पड़ा है बट वो बेस था, तो आगे आपको अचानक 5-6 क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे, बट अभी के लिए ये 3-4 काफी होंगे, ठीक है। कल हम ऐड करेंगे। कल का टाइम क्या रहेगा? 7:30, 8, कल सर आ ठीक रहे 8 बजे, ठीक है, चलो भाई।